मैथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी हमारा एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस जो कि डेफिनेट पैटर्न के हिसाब से, जो कि डेफिनेट पैटर्न के हिसाब से अरेंज होती है, डेफिनेट पैटर्न के हिसाब से अरेंज होती है, जिसमें एक हमारा टर्म होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस गाइस, ये जो होता है हमारा सेम होना चाहिए, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, ठीक है। तो गाइस जो भी हमारा सीक्वेंस होती है एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज हो, साथ में एक टर्म होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, जिसकी वैल्यू हमारी सेम होनी चाहिए। तो गाइस जब हम इसका एग्जांपल देखते हैं और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है, हम उसको समझते हैं एक अपने क्वेश्चन के साथ में। तो गाइस हम कोई भी एग्जांपल ले एपी का, लाइक हमारा 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 एन तक, ठीक है। तो एन होता है हमारा लास्ट टर्म, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा गाइस इसमें, ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इसको हम गाइस ए मान लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है हम उसको ए से डिनोट करते हैं। उसके साथ में हम बात करें डी की, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हमने बात की कि जो ए पे होता है हमारा कोई भी ऐसा सीक्वेंस जिसमें डेफिनेट पैटर्न में कोई भी नंबर से हमारे वो अरेंज होते हैं, साथ साथ में जो हमारे डी की वैल्यू होती है गाइज वो हमारे सेम होनी चाहिए। अगर डी की वैल्यू हमारी सेम नहीं होती है तो वो हमारा ए पी नहीं होता है, ठीक है। अगर हमारे डी की वैल्यू सेम है तो वो हमारा ए पी बन जाती है। तो गाइज हम डी की बात करें तो डी हमारा जो निकलता है तो सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट, दैट इज 4 - 2 = 2, ठीक है।